मैं देवेंद्र सारन आरवी लाइव से ठीकरी बॉर्डर से जो हमारे किसान बैठे हैं, किसान भाई के हरियाणा के बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे सोनू भाई से जो हरियाणा जींद से हैं। हाँ जी भाई साहब, बोलो। क्या कब से बैठे हो आप यहाँ पे? यहाँ हम 86 दिन से बैठे हैं। कितने दिन और चलेगा आपका ये? चलेगा जब तक ये बहुत दिन ईमानदार चलता ही रहेगा। ये तो क्या ये व्यवस्था कर रखी है आपने? व्यवस्था रहने का हो गया, आज सारे टेंट टूट आ जाएंगे, मच्छरदानी लगा देंगे, कूलर लग जाएंगी, एसी लग जाएंगी। आंदोलन के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? आंदोलन के बारे में तो यही कहना चाहते हैं, मोदी को मारना चाहिए, अड़े लोग परेशान हो गए, मच्छर काटने लग गए। ऐसी बात नहीं भाई, बहुत दिन से बैठे हैं, काम धंधे जब के हैं, सरकार को कुछ सोचना चाहिए इस बारे में। राजकुमार जी, मैं मोदी सरकार को एक बात कहनी चाहता हूँ कि जो साडा ये पंजाब हरियाणा का भाईचारा है, ये बिल्कुल सामने बैठा है, वो आप दियाँ गलत अफवाहों नू छाड़ देवे इस गल नू कि पंजाब ते हरियाणा ये आपस में पाई पाई वक् हो गए। ये बिल्कुल गलत उसकी फहमी है, पंजाब हरियाणा पाई पाई हैं, एक साथ हुक्का पी रहे हैं और एक साथ ही बैठे हैं। ऐसे हरियाणा पंजाब भाईचारा जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा ते पंजाब दा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद ते पंजाब दा भाईचारा जिंदाबाद, सान एकता जिंदाबाद, सान एकता जिंदाबाद। और भी जोश करांगे, और जो सी मारा बने गवर्नमेंट गला जो मारे प्रधान कह गए यूनियन के, जो वो कहोगे उसे बात पर हमें तैयार हां, सारा पंजाब भी हरियाणा में। तो उम्र कितनी है तेरे? उम्र देख ले तो दर दान तो बोर्ड के आम देनी। अच्छा अच्छा की कितना टाइम हो गया उड़े बैठे ने? बिने 3 हो लिए, 90 दिन हो लिए। अच्छा, 90 दिन से अठाई है आड़े रहेंगे रामी गेड़े। ठीक है। और वो से कितने दिन हो गए ताई? कितने आए हो लोग आप गांव से? रोज की 2 ट्राली बद बेचना गाम कौन सा है तेरा? काकरू दुचाना पास। ठीक जिन जिले में हरियाणा में दुखेंत का लका दशेंत ने तो समर्थन दे रखे हैं। टक्कर मार के मर जावा किसान उठ जाए, किसान नहीं उठेगा, किसान नहीं उठेगा। तो ओ जी का हरियाणा का भाइया जी को कोल्लू लगा रखे है, इन बारे में आप बातचीत करांगा भी वो के मीटर है के चीज है। जी नमस्कार सब आपके जिंदाबाद, जिंदाबाद आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात ही कहना चाहूंगा, ये कोल्लू गर्मी का टाइम आ गया और हमारे पास 3 किले इक्के थे, हम लोग ये सारे तीनों बॉर्डर पर लाना है, एक किला पूरे गांव की तरफ से ये हमारा बैठ के सहयोग दिया गया था। अब जो ही से इसको रस निकाल के और बॉर्डर पर पहुंचो और सब भाइयों गंडा रस पिलाओ, ये कोई फंडिंग नहीं है ना किसी मोल ले रहे, फरी का रस, फरी का गंडा, मारा गंडा,
और ये चल रहा है, 3 दिन हो गए। अब गंडा लेगा जा रहे गाँव में, अब ट्रेली भर के आ जाएगी, शाम तक पलाएंगे घूम घूम के। 36 बिरादरिया को लोअर सब भाइयों का है। हरियाणा के भाइयों का बहुत बड़ा बलिदान है जो अपने 3 एकड़ कमाद में से ला के फ्री में जो ये जूस पिलाने का काम कर रहे हैं गर्मियों से बचाने के लिए किसानों के लिए।